रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत, समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है, पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही,
आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे, हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी, यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया, और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है, ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।